नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो लेट आ रहा है। ठीक है, कल शूटिंग नहीं कर पाए थे और कल ही मेरे को ये न्यूज आ गई थी डीजीटी की तरफ से, कई क्लियरिफिकेशन है, कई बड़ी न्यूज है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले न्यूज की तरह कि डीजीटी ने बोला है, जवाब दिया है मेरे को कि हम जल्दी ही आईटीआई, ध्यान से सुनिएगा, हम जल्दी ही आईटीआई सीबीटी ईडी प्रैक्टिकल सप्लीमेंट्री का एग्जाम का टाइम टेबल जल्दी ही जारी करेंगे। आईटीआई सप्लीमेंट्री एग्जाम की जो सीबीटी का है, ईडी का है, प्रैक्टिकल का है, सबका टाइम टेबल एक साथ बहुत जल्दी ही जारी करेंगे। ठीक है, हम बहुत सारे रिजल्ट को संशोधित किए हैं तथा रिजल्ट अपडेट भी किए हैं, ये बात सही है, और हम कर भी रहे हैं। कल भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो उनका ये कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे रिजल्टों को संशोधित किए हैं, कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम कर भी रहे हैं, करेंगे भी। तो जैसे ही ये थोड़ा सा और डेटा ईडी प्रैक्टिकल वाला जो अभी नोडल और स्टेट वाला मामला का था, तो वो जैसे जैसे पहुंचते चला जा रहा है, वैसे वैसे उसको पूरा करके वो रिजल्ट को घोषित कर रहे हैं। ईडी के ऑफलाइन पेपर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या समस्या ना आए, हम उस दिशा पे काम कर रहे हैं। जैसे एक शंका मैंने जताया था कि सर अगर ईडी और प्रैक्टिकल का तो चलने दीजिए, ईडी का अगर पेपर ऑफलाइन हुआ है सर, तो उसमें सुधार करवाइए कि जो दो दो तीन तीन महीने तक रिजल्ट नहीं आता है और वो एक शिकार हो जाता है नोडल के अधिकारियों के हाथ में, फिर वो एक भ्रष्टाचार आ जाता है, लेन देन की बात बन जाती है, ₹1,000 ₹1,500 ₹2,000 की उगाही होती है। जब तक आईटीआई वाला नहीं देता है तब तक वो रिजल्ट फिर अपडेट नहीं होता, नंबर नहीं मिलता है। तो उस पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला है। कह रहे हैं कि सीबीटी एग्जाम के तुरंत बाद ही ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम करवाएंगे। एक सवाल जो था उसका उन्होंने जवाब दिया, तुरंत बाद ही सीबीटी खत्म हुई, ईडी प्रैक्टिकल जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा, वो साफ साफ बोल रहे हैं। हम स्टेट डायरेक्टर से सलाह ले रहे हैं कि ईडी का परिणाम कैसे जल्द से जल्द घोषित किया जाए। वो सारे स्टेट के डायरेक्टरों से ये सलाह ले रहे हैं कि ईडी के जो पेपर होते हैं उसमें को कैसे जल्दी से जल्दी उसका नंबर जो है तो मंगवाया जाए और उसका नंबर जो है तो रिजल्ट के साथ में चढ़ाया जाए, जो पहले देरी होती थी ईडी के कॉपी जांचने में उससे बचा जाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी न आवे। अब हम लगातार अपने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। कुछ तकनीकी समस्या भी आ रही है जिसे हम जल्दी से जल्दी ठीक कर लेंगे। कुछ तकनीकी समस्याएं वो पेमेंट लिंक में लेकर के आ रही है, कई जगह पे एनुअल वाले लड़कों की लिस्ट नहीं आ रही है, कई प्रॉब्लम है जो डीजीटी को संज्ञान में है, डीजीटी को संज्ञान में लिया है जी इन सारी प्रॉब्लमों को। उनको कह रही है कि कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, उन पे हम नजर बनाए हुए हैं और उनको हम जल्द से जल्द ठीक करेंगे। तो आप लोगों का जो ईडी वाले लड़के हैं, ईडी प्रैक्टिकल वाले, वो थोड़ा सा असंतोष फैलाए हुए थे कि सर सीबीटी का परीक्षा हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। तो क्लियरली मैं आपको दो तीन दिन पहले बता दिया था और पहले भी बता रहा था कि देखिए टाइम नहीं मिलेगा, सीबीटी एग्जाम 25 तारीख से चालू हो जाएगी, इसके बाद जैसे सीबीटी एग्जाम खत्म होगा तो आपका ईडी का पेपर चालू हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल का पेपर चालू हो जाएगा। वो अभी टाइम टेबल जो है कि किस तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक होगा, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं स्टेट डायरेक्टरों से और वहां के जो स्टेट डायरेक्टर अपने नोडल से कि कहां क्या कैसे एग्जाम लेना है।
थोड़ा सा उनका टास्क जो है आपसे ज्यादा चिंता हो रही है ईडी को पेपर को लेकर के, जिसको मैंने बार बार मुद्दा बनाया हुआ था कि ये अगर नोडल अधिकारियों के हाथ में शिकंजे में आ गया तो फिर से वो खून चूसेंगे। एक तो प्राइवेट आईटीआई वालों के पास वैसे पैसा नहीं है, वैसे आ नहीं रही है फीस, दूसरा अगर ईडी का पेपर का पूरा उनके हाथ में चला गया तो फिर भगवान ही मालिक है। तो इस पे वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोई वो अच्छा रास्ता निकाल लेंगे और आपका टाइम टेबल बहुत जल्दी, भाई साहब मेरे को पता है टाइम टेबल बन गया है, ईडी का प्रैक्टिकल का सीवीटी का सारे टाइम टेबल बन गए हैं, उनको बस क्रियान्वित करना रह गया है। और इसलिए डीजीटी अभी रुकी हुई है कि ईडी का और प्रैक्टिकल का नंबर जो है तो अभी बहुत सारे रोज अपडेट हो रहे हैं, डेली अपडेट हो रहे हैं, अगर वो जल्दी से जल्दी एक दो दिन के अंदर अपडेट हो गए, हो सकता है कि वो आज ही निकाल दें, हो सकता है वो कल निकाल दें, हो सकता है कि 20 तारीख तक में निकाल दें बिल्कुल, लेकिन वो किसी भी हालत में जल्दी से जल्द निकालने के लिए बाध्य हैं। अभी एक कोई दो चार जगह के लड़के बोल रहे थे कि सर वो यूपी के एक हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो ट्विटर पे चलाए हैं, सर आप भी ट्विटर पे ट्वीट कर दो। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि ट्विटर पे देश नहीं चलता है और न ट्विटर पे कोई सुनवाई होती है, जो चला रहे हैं मोस्ट वेलकम, उनको चलाने दीजिए। तो अभी तक वो कहाँ थे, 4 साल 5 साल से वो यूट्यूब चला रहे हैं तो अभी तक कहां थे, कितनी समस्या का समाधान करवा लिए, है ना। और ट्विटर पे डीजीटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आप लिख के ले लीजिए, फर्क पड़ता है तो चैनल से जब आवाज उठती है तो अब बाकी नहीं होती, दम होना चाहिए बोलने के लिए, दिखाने के न्यूज दिखाने के लिए और बोलने के लिए दम होना चाहिए। और गवर्नमेंट की नोटिस भी लेने में दम होना चाहिए, FIR हो तो उसका सामना करने में भी दम होना चाहिए। बेवकूफ आप लड़कों को बना सकते हो, अपने आप को बना सकते हो, बाकी को नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो हमारा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो ट्विटर पर जा रहे हो जाओ, लेकिन ट्विटर पर समस्या का समाधान नहीं होता है। और एक चीज मैं बता दूं, जब डीजीटी गलत रहती है तो मैं डंके की चोट पे गलत बोलता हूं, जब सही रहती है, अभी सिस्टम में जयप्रकाशन जी थे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जयप्रकाशन जी पूरे सिस्टम को, ये जो पूरी गलतियां हैं, मैं ITI से भी बोल रहा हूं, स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि जयप्रकाशन जी ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया था कि मैं सी सृष्टि का तारणहार हूं, मैं ही सृष्टि का क्रिएटर हूं और मैं ही सृष्टि को खत्म कर दूंगा। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम कब से तैयारी हो जाती है, ये व्यक्ति मेरा नहीं सुना। और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए थे। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ITI टास्क शो के शिकार हुए हैं जयप्रकाशन जी, और मैंने कसम खाई थी कि जब तक इनको मैं कुर्सी से नहीं हटा दूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। मैं ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। देखिए सत्य शंकर जी आए थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, और वो अभी तक आते रहते तो उनके टीम में कौन थे, विद्यानंद जी भी थे, ठीक है। तो विद्यानंद जी सत्य शंकर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, अब पूरा रायता फैला दिए हैं, जबकि ये सप्लीमेंट्री एग्जाम का तो रिजल्ट, ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, ये प्रॉब्लम को सब अधिकारी बोल रहे थे। जितनी भर अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी सब कह रहे थे, जो रिटायर हो चुके हैं, जो हैं और जो कानपुर के हैं, रीजनल के हैं, सब बोल रहे थे। लेकिन जयप्रकाशन जी के कारण जो है तो इतनी सारी चीजें हुई। और मैं हर एक चीज को बड़े अच्छे से जानता हूं, समझता हूं। मैं ऐसे नहीं मैं कि बस वो यूट्यूब में मोबाइल लगाए और कोई भी न्यूज उठा करके दिखा दिए, ऐसा नहीं है। मैं नोटिस झेलता हूं, मैं गाली झेलता हूं आप लोगों के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम हुई है, विद्यानंद जी आए हैं और विद्यानंद जी को अभी 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं ये पूरे सिस्टम को अपने आप में संभालने में। किसी दूसरे का रायता को समेटना ना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई साहब, बिगड़ी चीज को ठीक करने में, अब सिस्टम को ठीक करने में। अब उनका डायरेक्टली विप्रो, ITI और पूरे कमेटी से हो रहा है, तो अब वो डिसीजन अपने विवेक पे, अपने एक्सपीरियंस पे
और जो उनकी एक टीम है उस पे हो रही। तो मैं रोज काम देख रहा हूं, ऐसा किसी भी दिन ना हो कि रिजल्ट अपडेट ना हो, ऐसा किसी भी दिन ना हो कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो। लेकिन एक चीज, अब आप लोग कहते हैं कि नोडल अप्रूवल कर दिया है, नोडल अप्रूवल करने से कुछ नहीं होता है ईडीओ प्रैक्टिकल का, स्टेट को भी अप्रूवल करना होता है टाइम पे। और अगर स्टेट ने अप्रूवल कर दिया है तो रुकिए, वेट कर लीजिए आप, दो चार पांच दिन के अंदर और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और रिजल्ट अगर अप्रूवल हो गया है तो कोई माइक लाल नहीं रोक सकता है आपका रिजल्ट आने से। टाइम टू टाइम, क्रम बाय क्रम, ये नहीं है कि आज आपका यहाँ का हो गया है, यूपी का अप्रूवल हो गया है आज की डेट में, फिर परसों जो है तो उनका होगा, फिर नर्सों उनका होगा, नहीं, जो डेटा आ रहे हैं डेट बाई टाइम बाई आ रहे हैं, उनको लिस्टेड कर करके उनको क्या बोल रहे हैं कि हम उनको संशोधित करके उनका रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं। क्रियान्वित का मतलब यह होता है कि हम काम कर रहे हैं। तो भैया जब कोई काम करता है तो बार बार दबाव नहीं बनाया जा सकता है, बार बार मुद्दे नहीं उठाया जा सकता है, काम कर रहे तो हमको टाइम देना पड़ेगा और हम टाइम दे रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आपका टाइम टेबल बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, चाहे वो सीबीटी वाले हो, चाहे वो ईडी वाले हो, चाहे वो प्रैक्टिकल वाले हो, चाहे जो हो, ठीक है। अब मैं एक चीज और बोल दूं, नहीं तो फिर आप लोग कह दोगे भैया वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी बोल रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए भी बोल रहा हूं, ईडी के लिए भी बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल के लिए भी बोल रहा हूं, सीबीटी के लिए भी बोल रहा हूं। और एक चीज और कि जिनका जो लड़के ईडी का पेपर ऑफलाइन दिए हैं वो ऑफलाइन ही देंगे, ऑनलाइन में ईडी का पेपर कोई नहीं है, ईडी का ऑनलाइन का पेपर उनका है जो थ्योरी के साथ मिला हुआ है, सीबीटी एग्जाम के साथ में मिला हुआ है, तो उसमें कोई ईडी में कोई सप्लीमेंट्री नहीं आया है ऑनलाइन वाले में, है ना, वो अगर आया है तो पूरे सीबीटी में ही आया है। तो इसलिए उस बात को बिल्कुल क्लियर बांध लीजिए और ऑफलाइन के लिए आप तैयारी करिए। बार बार बोल रहा हूं कि यूट्यूबरों के उसमें ना पड़िए, वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं चार पांच साल से और आगे भी बनाते रहेंगे। अपने आईटीआई में जाइए, ईडी वाले जो सर हैं एक हफ्ते पढ़ लीजिए, 500-1000 रुपए दे दीजिए भैया, टाइम कर लीजिए और ईडी के बारे में पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ लीजिए। अब जैसे ईडी का पेपर खत्म हुआ तो लोगों ने ईडी वाले सर को निकालना चालू कर दिया, अब ईडी वाले कोई है ही नहीं, तो ईडी की बुक उठाइए, बुक से पढ़िए और अपने आईटीआई में जाइए, वो टूल्स वूल्स सारी चीजें देखिए। और सुनिए, ये ईडी का पेपर कोई ऐसे याद करने के लिए, कविता याद करने के लिए नहीं है कि तुलसीदास जी की कविता याद करनी है, ये समझना है आपको, और ये समझने के लिए बुक से बढ़िया कोई चीज नहीं होती है। हर यूट्यूबर अलग अलग चीज पढ़ाएगा, हर चीज अलग अलग बताएगा, आप कंफ्यूज होगे, उससे बेहतर है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक खरीदो और उसको भैया सुबह 4 बजे मत पढ़ो, जब जागो जितने बजे जागो तभी पढ़ो। 4 बजे जगने से कहते थे कि विद्या आ जाती है, ऐसी कोई विद्या नहीं आती है, सरस्वती नहीं आती है। 4 बजे क्या होता है कि माहौल शांत रहता है, आवाज नहीं सुनाई देती है, साउंड नहीं सुनाई देती, आपको भूख नहीं लगती है, आप बार बार पेशाब करने नहीं जाते हो, आप बहाना नहीं करते हो चाय पीने का, मम्मी पापा सब सोते रहते, इसलिए कहा जाता है कि 4 बजे जग करके पढ़िए सही रहता। लेकिन सरस्वती नहीं आती है, आप 8 बजे भी एक कमरे में बंद करके अपने आप को मोबाइल स्विच ऑफ करके आप पढ़ सकते हो और 24 घंटे में आप पेपर निकाल सकते हो। आप जितना किताब पढ़ोगे और उसको एक उसमें रफ में लिखोगे जितना, अरे भाई 10 मिनट बैठा जाता है ना, तो 10 मिनट बैठिए आप लोग, कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा बैठिए, 10 मिनट बाद फिर आ जाइए। और आप लोगों के लिए ये जो होता है ना, नहीं कल से पढ़ाई करूंगा मैं, कल भी अब आगे, अरे नहीं यार अब कल से पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर 2 आदमी होते हैं, आपके अंदर हर एक आदमी के अंदर 2 आदमी होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव, एक यस होता है एक नो होता है।
एग्जाम्पल बताते हैं हम, थोड़ा सा आज ज्यादा ही बता देते हैं। आप नहाने जाते हो, स्टूडेंट को बोल रहा, आप नहाने जाते हो ना इस समय ठंड के मौसम में, तो आप जब जग उठाते हो या लोटा उठाते हो ना, तो लगता है ना अरे यार ठंड आ गई, ठंड ठंडी लग जाएगी, तो एक दो बार लोटा नहीं उठता है, जग नहीं उठता है। लेकिन जैसे आपका मन, एक आदमी जो है आपका न्यू वाला ना, निगेटिव वाला, वो कहता है यार मत नहाओ यार, कौआ स्नान कर लो, मुंह धो लो, मतलब चोंच धो लो अपना, बस हो गया और निकल आओ। दूसरा कहते नहीं नहाओ 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 नहाओ, तो जैसे आप एक लोटा पानी डालते हैं तो ठंड खत्म हो जाती है। वैसे मैं बोल रहा हूं कि जब आप पढ़ाई करने जाते हो तो आपका दो मन होता है, एक कहता मत पढ़े यार, क्या करना है, नकल कर ले या उससे जुगाड़ कर ले, या उससे जुगाड़ कर ले, कर लेंगे नहीं तो कल पढ़ लेंगे यार, शाम से पढ़ ले, शाम आए अरे यार फिर कल देख लेंगे, कल देख। नहीं, जब भी ऐसी आत्मा में आपकी आवाज आए कि कल करने के लिए, तो उसको बोलो नहीं मैं तो आज ही पढ़ूंगा, आज ही पढ़ूंगा, कल से नहीं पढ़ूंगा, मैं तो आज ही पढ़ूंगा, कल से नहीं पढ़ूंगा, चल मैं तेरी बात को करता हूं, ठीक है, कल से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो आज ही पढ़ूंगा और अब भी पढ़ूंगा। आप पांच मिनट, जब भी आपके मन में ऐसी चीजें आए, आप पांच मिनट किताब उठाइए, निकालिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, दीन दुनिया से ऊपर चले जाइए आप लोग, और किताब को उठाइए, जितने एक एक लाइन है ना, उस लाइन पे पेंसिल रखते चले जाइए, ऐसे हर पेंसिल रखते चले जाइए और उसमें मार्क करते चले जाइए। एक पन्ना पढ़िए, दो पन्ना पढ़िए, तीन पन्ना पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है, आपके पास टाइम है, आप इतना काम नहीं कर रहे हो। आप 9 बजे भी पढ़ लीजिए, फिर आप एक घंटे 11 बजे दे दीजिए, फिर एक घंटा आप 2 बजे दे दीजिए, फिर एक घंटा आप 4 बजे दे दीजिए, फिर एक घंटा आप 7 बजे दे दीजिए, फिर एक घंटा आप 9 बजे दे दीजिए, फिर एक घंटा आप 11 बजे दे दीजिए और फिर सो जाइए। आप देखिए 5-6 घंटे पढ़ रहे, 5-6 घंटे में आप देखिए कि 10-15 पन्ने आपके बड़े आराम से हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 ही पन्ने हुए ना, 5 घंटे में 5 ही पन्ने हुए ना, बहुत कुछ हो जाएगा मेरे भाई, बहुत कुछ हो जाएगा, अभी भी टाइम है आपके पास। 10-15 दिन बहुत टाइम होता था, मैं अपना राज बताऊं, मैं हमेशा फर्स्ट क्लास रहा, आज भी मैं नंबर 1 के लिए मरता हूं, नंबर 2 हमारे लिए जिंदगी में कोई चीज आती नहीं है। मैं 1 तारीख का पैदाइश भी हूं, वो भी 1 जुलाई का, और मेरा अंक भी 1 ही है, और मैं हमेशा फर्स्ट आया। मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था, लेकिन जब पेपर आ जाता था तो मैं दीन दुनिया से दूर हो जाता था, एक कमरे में मैं अपने आप को बंद कर लेता था। खाना भी मेरी माँ प्लेट में बिल्कुल ऐसे, खिड़की थी तो खिड़की से रख देती थी, बस हो गया। मैं सिर्फ एग्जाम देने के समय पे ही 1-2 दिन पहले मैं पढ़ता था, बाकी नहीं पढ़ता था। और दूसरा मैं बहुत बढ़िया एक वो उठाया था, जो मैं आज अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं खुद पढ़ता था और 5 लड़कों को बुलाता था, उसमें 1 लड़की रहती थी, मतलब माने 4 लड़के रहते थे, 1 लड़की रहती थी, उसको मैं बोर्ड पे पढ़ाया करता था, ऐसी तैयारी करता था। उसके पीछे क्या कारण था, लड़की रहती थी तो हमको अपना वेल अप टू डेट रहते थे कि नहीं अब हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ गलत करेंगे तो हमारी बेइज्जती महसूस होगी, क्योंकि बदमाश मैं पहले से ही था, बदमाश मैं पहले से ही था, तो अपने आप में बदमाशी करता था, मैं दूसरे में नहीं करता था। अरे यार वो लड़की हमारे बारे में जानेगी तो क्या होगा, वो लड़के 4 हैं वो हमारे बारे में जानेंगे तो क्या होगा, कि राजा बाबू ऐसे हैं क्या, ठाकुर साहब ऐसे हैं क्या। तो मैं अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए मैं 4-5 लड़कों को पढ़ाता था। तो उसमें क्या होता था कि मेरी एक अकेले की सोच रहती थी, बट वो 4 लोग जो होते थे उनकी सोच मिला करके, तो वो जो 4 सोच उनकी और 1 सोच अपनी, 5 सोच होती थी, मैं टॉप करता था, मैं हमेशा टॉप करता था, आप उठा करके देख लीजिए। तो मेरे टॉप होने का जो मेन सक्सेसफुल मंत्र था तो वो यही था कि मैं पढ़ाता था, कोई भी सब्जेक्ट हो मैं उसके बारे में बोलता था। मैं एक उस समय पर बोर्ड नहीं होते थे, ये सब कुछ नहीं होते थे, तो दीवाल में ही हम लोग पढ़ाते थे, बिल्कुल लाल वाले चाक से, लाल पीला नीला अगर सबको याद होगा तो कलर वाले चाक आते थे, तो जो दरवाजा होता है ना वो दरवाजे के पीछे पूरा प्लेन होती थी, लकड़ी का होता था, तो उसमें हम सवाल लिखते थे, मैथ के सवाल, इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे सवाल लिखते थे और मिटाते चले जाते थे, पूरा मुंह सूँह सब सफ़ेद हो जाता था। तो मैं मास्टर बनता था,
उस समय पर। तो मास्टर बनने के लिए मैं एक रात पहले तैयारी करता था कि मैं 5 क्वेश्चन ये पढ़ाऊंगा, तो 5 और वो 5ों को मैं जवाब देता था, फिर वो अपनी परेशानी बताते थे, वो अपनी नहीं इसको ऐसे से कर लो, ऐसे से कर लो, तो ऐसे से कर लो। तो आज स्टूडेंट के लिए मैं बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं कि अगर आप लोग 4-5 लोग बैठ करके तैयारी करोगे तो बेहतर तैयारी होगा, नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप किताब उठाइए, थ्योरी की किताब उठाइए, जहां पे एक लाइन लिखी हुई है रा सा ता दा, वहां पे आप उसको मार्क करते जाइए और आप उसको देखते जाइए, उसको इमेज को बैठाते जाइए, आपके एग्जाम में करेक्ट वो इमेज आपको दिखाई देगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आपका आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।